क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय रिपील द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तेबे क्यों वाइसरॉय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील वा रद्द करथिले तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन 3 लॉर्ड रिपन तेबे वाइसरॉय लॉर्ड रिपन जे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लेस डिड महात्मा गांधी बिगिन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया तबे महात्मा गांधी इंडिया रो क्यों प्लेस रु प्रथमे तंकर राजनीतिक कार्य स्टार्ट करथिले तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन 3 चंपारण तबे चंपारण थारो गांधी जी प्रथमे तंकर पॉलिटिकल एक्टिविटी आरंभ करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन रावलाट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेक्री वेयर हैपेंड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय पीरियड तेबे रावलाट आईन एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों वाइसरॉय को समय रे होइतिला तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन 1 लॉर्ड चेम्सफोर्ड तेबे लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय थिबा समय रे जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं रावलाट एक्ट पास होइतिला नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905 तेबे 1905 मसीह इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंट किए होइतिले तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन 1 गोपाल कृष्ण गोखले तेबे 1905 मसीह इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंट होइतिले गोपाल कृष्ण गोखले नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर स्टार्ट स्वदेशी मूवमेंट तेबे क्यों वर्ष स्वदेशी मूवमेंट बा स्वदेशी आंदोलन होइथिला तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन 3 1905 तो 1905 मसीह होइथिला स्वदेशी आंदोलन नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज नो नैच डेस्क तेबे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को कौन कहा जाए तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन 2 मिंटो मर्ले रिफॉर्म्स तेबे 1905 मसीह इंडियन काउंसिल एक्ट को कहा जाए मिंटो मर्ले रिफॉर्म्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर साइमन कमीशन केम टू इंडिया तेबे क्यों वर्ष साइमन कमीशन इंडिया आसी थिले तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन 2 1928 तेबे 1928 मसीह साइमन कमीशन इंडिया को आसी थिले एवं सेमानंकु तीव्र विरोध करा जायतिला नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड व्हिच कमिटी वाज सेंड टू इंडिया रिगार्डिंग पोस्ट वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया तेबे द्वितीय विश्वयुद्ध पर इंडिया रो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाई क्यों कमिटी को इंडिया को सेंड करा जायतिला तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन 3 कैबिनेट मिशन तेबे द्वितीय विश्वयुद्ध पर इंडिया रो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाई कैबिनेट मिशन पठा जायतिला नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तेबे किए लिखी थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो यार राइटर किए तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन 3 दादा भाई नारुजी तेबे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक रो लेखक होउछंती दादा भाई नारुजी नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तेबे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किए थिले तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन 3 बद्रुद्दीन त्याबजी तेबे बद्रुद्दीन त्याबजी होचंती इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट व्हिच ईयर द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट तेबे बक्सर युद्ध केबे होइतिला
तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन सी 1764 माने 1764 मसीहा रे बक्सर युद्ध टी होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल रो फर्स्ट गवर्नर जनरल किए, तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 3 वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स होउछंती फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटिनी ऑफ 1857 टुक प्लेस ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय पीरियड। तबे 1857 मसीहार विद्रोह क्यों वायसराय पीरियड को समय रे होइतिला, तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 1 लॉर्ड केनिंग। तो लॉर्ड केनिंग को समय रे 1857 मसीहार विद्रोह जहाँ कि सिपाही विद्रोह टी होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी द न्यूजपेपर वाज स्टार्ट बाय डेस। तबे केसरी न्यूजपेपर टी कहा द्वारा स्टार्ट होइतिला, तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन बी बीजी तिलक। तबे केसरी न्यूजपेपर जहाँ कि बीजी तिलक स्टार्ट करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस बा आईएनसी फॉर्म बाय एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम माने होची आलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तबे क्यों वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस जहाँ कि एओ ह्यूम को द्वारा फॉर्म होइथिला, तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो 1885। तो 1885 मसीहा रे इंडियन नेशनल कांग्रेस बा भारतीय जातीय कांग्रेस टी गठित होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटलर कमीशन वाज अपॉइंटेड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय पीरियड। तबे सेटलर कमीशन जहाँ कि क्यों वायसराय को पीरियड समय रे अपॉइंट होइथिला, तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 1 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को समय रे सेटलर कमीशन अपॉइंट होइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर लखनऊ पैक्ट वाज हेल्ड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग लीडर। तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग लीडर को मध्य रे केबे लखनऊ चुक्ति बा लखनऊ पैक्ट होइथिला, तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 1 1916। तो 1916 मसीहा रे लखनऊ पैक्ट साइन होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडियन मूवमेंट वेयर फॉर्म ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय पीरियड। तबे क्रिप्स मिशन एवं क्विट इंडियन मूवमेंट तो केबे होइथिला बा क्यों वायसराय को समय रे होइथिला, तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 1 लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो को समय रे क्रिप्स मिशन होइथिला एवं क्विट इंडियन मूवमेंट बा भारत छाण आंदोलन होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अटेंड ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो किए जे कि उभय तीनोटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे अटेंड करथिले, तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन बी बी आर अंबेडकर। तो बी आर अंबेडकर जे कि तीनोटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे अटेंड करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसलेट द गीता इनटू इंग्लिश। तबे किए जे कि प्रथमे गीता को इंग्लिश रे ट्रांसलेट करथिले, तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 3 चार्ल्स विलिंग्स। तो चार्ल्स विलकिंस जे कि प्रथम थर पई गीता को इंग्लिश रे ट्रांसलेट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया टू बुद्ध। तबे किए बुद्धंकु लाइट ऑफ एशिया बा एशियार आलोक बोली कही थी, तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 2 विवेकानंद। तेबे विवेकानंद बुद्ध को कही थी लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गुप्त रूलर फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी। तेबे क्यों गुप्त रूलर जे कि नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड करी थी, तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन 1 कुमारगुप्त 1। तेबे कुमारगुप्त 1 होउछंती नालंदा यूनिवर्सिटी रो फाउंडर और से होउछंती जणे गुप्त रूलर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन तेज हर्षवर्धन कोर्ट पोएट किए थे तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन फोर सॉरी ऑप्शन थ्री बाणभट्ट तेज हर्षवर्धन कोर्ट पोएट होती बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय इज नोन एज द वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर तेज क्यों वायसराय को कहा जाए द वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर तेज यार करेक्ट आंसर टी कौन हम तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन टू लॉर्ड लिटन तेज लॉर्ड लिटन को कहा जाए द वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर गदर पार्टी फॉर्म बाय लाला हरदयाल तारकनाथ दास सोहन सिंह भकना तेबे केबे गदर पार्टी फाउंड होइथिला एवं एहाकु के फाउंड करथिले लाला हरदयाल तारकनाथ दास एवं सोहन सिंह भकना तो यार करेक्ट आंसर टी होजिबो ऑप्शन थ्री 1930 तेबे 1913 रे गदर पार्टी फॉर्म करा जाए थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु लेड द बरदली सत्याग्रह इन 1928 तेबे किए बरदली सत्याग्रह को 1928 रे लीड करथिले तो यार करेक्ट आंसर टी होजिबो ऑप्शन टू सरदार पटेल तेबे सरदार पटेल जे कि 1928 रे बरदली सत्याग्रह को लीड करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आवर कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय पीरियड तेबे आमर कैपिटल जहाँ कि प्रथम कलकत्ता थिला एवं वर्तमान जहाँ कि दिल्ली होइछि तेबे एहा को किए ट्रांसफर करथिले कलकत्ता रु दिल्ली को किए ट्रांसफर करथिले तो यार करेक्ट आंसर टी होजिबो ऑप्शन वन लॉर्ड हार्डिंज तेबे लॉर्ड हार्डिंज ओडिसा सॉरी इंडिया कैपिटल को कलकत्ता रु दिल्ली को ट्रांसफर करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फाउंडेड द स्लैब डायनेस्टी तेबे क्यों रूलर जे कि स्लैब डायनेस्टी रो फाउंडर अटंती तेबे स्लैब डायनेस्टी रो फाउंडर किए तो यार करेक्ट आंसर टी होजिबो ऑप्शन थ्री कुतुबुद्दीन ऐबक तेबे कुतुबुद्दीन ऐबक होउछंती स्लैब डायनेस्टी रो फाउंडर तो स्लैब डायनेस्टी माने होची दासवंश तो ही दासवंश रो फाउंडर होउछंती कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज ए ग्रेट मिलिटरी जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी तेबे अलाउद्दीन खिलजी ग्रेट मिलिटरी जनरल किए तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन वन मालिक कपूर तेबे मालिक कपूर होउछंती अलाउद्दीन खिलजी ग्रेट मिलिटरी जनरल।